साल की हो गई है। कमल बताओ कि तुम्हारी कितनी एज हो गई है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह सुबह का टाइम है, उठते ही पहले ऑफिस आ गया था, बिकॉज ऑफिस के एक दो काम थे जो करने बहुत ज्यादा जरूरी थे, इसीलिए आते ही वो काम काज मैंने खत्म कर लिया। अभी तो मैंने कहा कि भाई व्लॉग शुरू कर लेते हैं, व्लॉग शुरू करने से पहले एक और काम करें। ये सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो मेहरबानी करके यार प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। और वैसे भी सब्सक्राइबर जब पुश कर लेते हो तो ये बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर लिया करो, बड़ा अच्छा महसूस होता है, सुकून मिलता है, नींद भी सुकून वाली रात को आती है। मतलब जब सब्सक्राइब आप कर लेते हो मतलब मेहनत का सिला मिल जाता है यार। अभी बस मैं फ्री हो गया हूँ, निकलूंगा घर की तरफ, बिकॉज नाश्ता भी मैंने अभी तक नहीं किया, जाते ही पहले नाश्ता करना है यार। थैंक यू चाचा। यार जिंदगी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना, कि हर दिन की एक नई बात, नई सोच, नई जुस्तजू, नई स्टोरी होती है, कुछ भी पुराना नहीं होता। यार कभी कभार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर मैं गया भी नहीं, जिंदगी में पहली दफा जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि ये जगह या चीज मैंने पहले किसी जगह देखी हुई है, हकीकत में देखी नहीं होती, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये मेरा कोई ख्वाब था जो मैंने देखा था इस लोकेशन के मुतालिक, और आज वो सच्चा हो, पता नहीं शायद ये सच्चा होता भी है या नहीं, या मेरे दिमाग को कोई वहम है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? ये वीडियो स्पॉन्सर किया है मोस्ट बैट ने, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है और 80 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। इनके 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जहां पर आप मुख्तलिफ गेम्स खेलकर बहुत से पैसे कमा सकते हैं, और यहां पर डेली टूर्नामेंट भी होते हैं, मतलब पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, इन टूर्नामेंट के जरिए भी आप बहुत से पैसे कमा सकते हैं, और इनका विड्रॉल और डिपॉजिट बहुत ही आसान है, मतलब जैज कैश या इजी पैसा के जरिए आप आसानी से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर आप 50,000 रुपए तक का बोनस चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा प्रोमो कोड नजर आ रहा होगा, इसको यूज करते हुए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें और साइन अप करें और 50,000 का बोनस हासिल करें। ये चेक करें, ये है वो बॉडी जो जॉन इब्राहिम बनाने के लिए अभी तक तरस रहा है, ये है वो बॉडी जो खड़ा कर ये अभी खड़ा हुआ है, बॉडी है ये मोटापे के निशान है भाई तुम्हारे। एक बंदा इस वॉशरूम में घुसा हुआ है और गाने लगा कर पता नहीं क्या कर रहा है। वे कौन है इब्रार, क्या कर रहा है? अल्लाह की कसम से पिछले 1.5 घंटे से नहा रहा है, 1.5 घंटे से नहा रहा है, गाने लगा कर नहाना है तुमने, गाने लगा कर नहाना है तुमने। अभी तक नहाए ही नहीं है, नहाए नहीं है, 1.5 घंटे से कर क्या रहे थे तुम? मूवी देख रहा है, मूवी देख रहे हैं, मोड पे बैठ के मूवी, मोड पे बैठ कर मूवी। तौबा या अल्लाह, ये लड़कों को अल्लाह ही अकल देगा। अभी मैं अपने घर के स्टोर में आया हूँ, यहाँ पर मैं स्टीमर ढूंढ रहा हूँ क्योंकि कपड़े प्रेस करने हैं, और स्टीमर मुझे किसी भी जगह से नहीं मिल रहा, और मुझे लगता है कि स्टीमर भी चोर उठा कर ले गया है। जी हाँ, स्टीमर भी चोर उठा कर ले गया। यार कितने घटिया तरीन चोर थे यार, तुम गुस्सा आ रहा है मुझे उस बंदे पर। कोई चीज नहीं छोड़ी है, तेरी चेन छोड़ गया यार, तुम अपनी इज्जत बचाओ, जाओ जाकर शर्ट पहनो, हाथ में लेकर ना घूमो। मुझे लगता है कि स्टीमर भी चोर उठा कर ले गया है। हाँ जी, क्योंकि मिला नहीं है ऊपर स्टोर में ना कोई डब्बा शब्बा पड़ा। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चलेंगी कि क्या क्या उठा है हमारे घर से, क्या क्या लेकर गया है वो। अभी कमल को मेरी बात पर तसल्ली नहीं हुई तो ये खुद चेक करने आई है कि यहाँ पर पड़ा है कि नहीं। मिला नहीं, नहीं मिला ना, उठा कर ले गया भैया जी, वो हरामी उठा कर ले गया चीज। अल्लाह तेरा काफना रखे बगैर। वो पंजाबी में बद्दुआएं, पंजाबी में बद्दुआएं मिल रही हैं तुम्हें, अगर तुम हमें देख रहे हो ना तो सुन लो बद्दुआएं, अल्लाह तेरा कख ना रहे। यहाँ पर भी नहीं है, रुको जरा मैं देखता हूँ। अभी मैं एक गुफा में घुस चुका हूँ और यहाँ पर स्टीमर ढूंढ रहा हूँ कपड़ों की गुफा में। ए थोड़ा जोर लगाओ, ये चलो ओके ओके पकड़ के रखना, ये मिल गया मिल गया मिल गया, स्टीमर मिल गया, ये पड़ा यार ये पड़ा। हाँ भारी तो काफी है, अंदर ही है मेरे ख्याल। ओए बचत हो गई है, बचत हो गई है, बचत हो गई है, बचत हो गई है, स्टीमर की बचत हो गई है। मैं अंदर था, बाहर बारिश शुरू हो गई है यार, क्या बात है, क्या बात है अभी जट्टा, क्या बात है। एक ही दिन में 2 दफा मैं रेडी हो चुका हूँ, और रेडी होने के बाद अभी हम लोग निकलने लगे हैं फैसलाबाद, बिकॉज आज हमारी बहुत ही प्यारी बहन जन्नत की बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ जाएंगे। फैसलाबाद का तकरीबन 2 घंटे का सफर है, 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, मेरे और कमल के अलावा भी 2-3 और मेहमान हैं जो कि हमारे साथ सफर करेंगे, तो लेट्स मूव। जी तो हम लोग तकरीबन आधे घंटे नहीं अभी भी कह रहे हैं कि 63 किलोमीटर भी हमारा सफर है, शायद 40-45 मिनट में पहुंच जाएंगे। और से फैसलाबाद आते आते वैसे बंदा थक जाता है, तो जो पार्टी शार्टी वाला सीन हो तो वो एंजॉय नहीं कर पाता इंसान। Happy birthday to you. Happy birthday.
अभी रोटी खुल गई है, रोटी की तरफ हम लोग भी झपटेंगे कि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। भाई मेरा तो फेवरेट पिज्जा ही है, कुछ पिज्जा में ही ये कौन से वाला अच्छा है, पिज्जा मैक्स सॉरी लेकिन मुझे नहीं पसंद पिज्जा मैक्स का। इनका आपका ना पिज्जा खुश्क होता है, चाइनीज खाएंगे हम लोग। मैं प्लेट खुद ही लेके रहा हूँ, बड़ी है यार, थैंक यू। मेरी बीवी का भी देना यार। ओ आ गई हो तुम यहाँ पर, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा लेकर जाना पड़ेगा। राइस डाल दे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा हाथ साड़ती मरे। अच्छा ये दरअसल इनके काम नहीं खत्म होने, मैं आपसे टॉक करने आ चुका हूँ। कितने साल की हो गई है? 22। और तुम उम्र? 97 की है यार। 97 की मतलब हो गए 80-85 साल के। मेरे आईडी कार्ड पर 98 लिखा हुआ है, वैसे मैं 97 हूं। अच्छा वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता यार, है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़के बड़े हो, लड़के बड़े ही मेरे से बड़े हो, लड़के ही बड़े ही मैच्योर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। नहीं मैं तो 19 साल का। काश इतना सच है, वैसे आम लाइफ में भी बोले जितना अभी बोले हैं। अच्छा बहन बताएं कि सबसे अच्छा गिफ्ट किसने दिया? उमर दे। कल आंटी किधर है? मैं कहता हूं ना उनका गिफ्ट पसंद नहीं आया आपको? नहीं उनका भी बहुत अच्छा था। हाँ। लेकिन उमर ने पहली दफा गिफ्ट दिया। अच्छा पहली दफा अच्छा गिफ्ट दिया? Oh my God. पहली दफा मैंने लोगों के सामने दिया। अच्छा ये बात है, वैसे मैं देता रहता लेकिन मैं बताता, मैं वो भी नहीं था बताना। हाँ। लेकिन वो अली, अली मेरा भाई का पता है ना। हाँ। वो है जो सही कमा। हाँ। बताओ यार क्या हो गया यार, अगर इतना अच्छा गिफ्ट देते हो तो लोगों को भी इल्म होना, नहीं होना चाहिए। मैं कहता नजर लग, तो मेरी जान ये बूथी दिखाना भी बंद कर दे, नजर लग जाएगी तुम्हें। लगी भी गाना है ना भाई, कह रहे लगी भी है, लगी थी यार। अच्छा ये कब की बात है? मैं तुझे दिखाता हूँ, अभी इसके बाद दिखाता हूँ व्लॉग। चलो ठीक है यार, वैसे वैसे बहन आपको कहना चाहिए था कि अम्मी अप्पू ने अच्छा गिफ्ट दिया। नहीं ना उन्होंने, मैंने दिया नहीं, नहीं क्यों नहीं दिया, ऐसे नहीं है यार, दिया है दिया। ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बस हम लोग निकलने लगे हैं। ठीक है भाई, खैर आप लोगों को दोनों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैंने नहीं मैंने बताया यार उमर को, मैंने इसे दरअसल कह दिया था लेकिन ये बिजी था यार, ऊंचा बनता है ना, ब्लॉग में ले ले क्यों। हाँ रो क्यों रहे हो, मैंने तो बुलाया था तुम आए नहीं यार, क्या हो गया। चले जी हम लोग फ्री हो गए हैं बर्थडे से और बस अभी वापस जाएंगे घर, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, 11:15 हो गए। कमल बताओ कि तुम्हारी कितनी एज हो गई है? मैं 25 की हो जाऊंगी। 25 और अलशा आप? 13। 13 साल, लड़कियों की उम्र इतनी कम क्यों होती है यार? वो जन्नत पे बेचारी कह रही थी मैं 22 साल की हुई हूँ। हम देखो कितने यंग लगते हैं, कितने जवान लगते हैं, अभी भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लगते हैं, लेकिन उम्र हमारी 27 साल होने वाली है। ब्रार भाई आपकी उम्र कितनी है? 36। 36 चले आपकी तो लगती है।